झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ पाठक जी मौजूद हैं। सर, क्या मौके पर मिला है? क्या देखिए, अभी मौके पर जो प्रथम दृष्टया बातचीत करने से प्रकाश में आया है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बाद वो ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन थी उससे ऑक्सीजन के माध्यम से गैस पूरे आईसीयू वार्ड में फैली, जिससे इतनी बड़ी घटना हुई। हम सब बहुत ही दुखी हैं। 10 बच्चे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए हैं, जिसमें 7 की शिनाख्त हो गई है, शेष की शिनाख्त की जा रही है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। 5 लाख रुपए हम परिजनों को सौंप रहे हैं, जो जिनके बच्चे काल कल्वित हुए हैं प्रति बच्चे के हिसाब से, और 50,000 रुपये घायलों का पूरा खर्च जो बच्चे अभी हमारे पास भर्ती हैं उनका सरकार वहन करेगी। और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा विभागीय जांच भी होगी और घटना की तह तक हम जाएंगे, कैसे इतनी बड़ी घटना घटी, पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम घटना की तह तक जाएंगे। सर, आपने खुद मौके का निरीक्षण किया है, क्या कुछ ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर फायर सेफ्टी के नाम से या उपकरण थे वो उच्च उपकरण काम कर रहे थे? 4 हमारे जो ये फायर के सिलेंडर्स थे वहाँ पर यूज में लाए गए हैं, वहाँ पर रखे हैं खाली, और उसके बाद आग नहीं बुझी पनपी तो 9 मिनट में हमारे फायर के जो टेंडर्स हैं बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। सर, इस दौरान कुछ परिजन ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही, तो क्या डीएनए तीन बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, हम डीएनए जांच भी कराएंगे अगर शिनाख्त नहीं हो पाई। जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी, जिनका कहना है कि ये बेहद दुखद घटना है। इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है, कई घायल हैं, उनका राज्य सरकार निःशुल्क इलाज करा रही है और इस पूरे मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी इस मामले में लापरवाही मिलेगी, जो भी जिम्मेदार होंगे उनकी जवाबदेही तय होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो परिजन अभी तक जिनके बच्चे नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि आग काफ़ी भीषण थी, उसके कारण काफ़ी अधिक कुछ बच्चे जल गए थे जिनकी मौत हुई है, उनका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18, झांसी।